उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन जारी। विधानसभा के बाहर बैठे सपा नेता सीएबी खराब कानून व्यवस्था को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। महाराष्ट्र में मोदी सरकार के खिलाफ महामार चार्ज, नागरिकता कानून के विरोध में होगा सर्वदलीय प्रदर्शन। कांग्रेस, एनसीपी और सपा के नेता करेंगे भाजपा सत्ता छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। फरहान अख्तर, जावेद जाफरी जैसे कई स्टार्स भी हो सकते हैं शामिल। वामदलों का देश भर में प्रदर्शन आज, कहा नागरिकता कानून से खत्म होगी लोकतांत्रिक बुनियाद। बिहार में भी विपक्षी दल सड़क पर उतरे। जामिया मामले में आज होगी दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। मामले की जांच और छात्रों की रिहाई वाली याचिका पर सुनवाई करेगा कोर्ट। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इशारों में राहुल गांधी को दी सलाह, कहा लोगों को बीजेपी के ऐसे विकल्प की जरूरत जो भारत में टिक सके। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अजीबोगरीब बयान, कहा स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में प्रार्थना के दौरान हो हनुमान चालीसा और गीता का पाठ। केरल नगरपालिका उपचुनाव के नतीजे घोषित, एलडीएफ और यूडीएफ को मिली 12-12 सीटें, बीजेपी के खाते में गई सिर्फ 2 सीटें। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मीडिया को दी सलाह, कहा मीडिया को सरकार का मुखपत्र नहीं बनना चाहिए। अब देश भर में लॉटरी पर लगेगा 28% टैक्स, जीएसटी काउंसिल की 38वीं बैठक में लिया गया फैसला। पहली बार परंपरा तोड़ते हुए वोटिंग के जरिए हुआ फैसला। उत्तर भारत में शीतलहर जारी, चंडीगढ़ का तापमान शिमला से नीचे पहुंचा, राजधानी दिल्ली में भी पारा और गिरा। उत्तर प्रदेश में 20 दिसंबर तक बंद किए गए स्कूल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मुसीबतें, सत्ता के दुरुपयोग के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चलेगा महाभियोग। संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो गोस्टा भारत के 2 दिन के दौरे पर, महात्मा गांधी के 150वीं जयंती समारोह की आयोजन समिति की 2री बैठक में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी से भी करेंगे मुलाकात। भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 वार्ता, रक्षा और प्रौद्योगिकी से जुड़े 3 अहम समझौतों पर किए गए हस्ताक्षर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कश्मीर मुद्दे पर फिर लिखा संयुक्त राष्ट्र परिषद को पत्र, परिषद से अपनी सही भूमिका निभाने का किया आग्रह। इससे पहले 12 दिसंबर को भी लिखा था पत्र। उत्तर कोरिया से प्रतिबंध हटाने का अमेरिका ने किया चीन और रूस का विरोध। अमेरिका ने कहा उत्तर कोरिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लिहाजा उस पर प्रतिबंध जारी रहे। सपाट हुई शेयर बाजार की शुरुआत, सेंसेक्स 1 अंक गिरकर 41,556 पर पहुंचा, निफ्टी 7 अंक लुढ़क कर 12,214 के स्तर पर कर रहा है कारोबार। आज कमजोरी के साथ हुई रुपए की शुरुआत, डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे की कमजोरी के साथ 70.99 के स्तर पर खुला। पिछले कारोबारी दिन रुपया बिना किसी बदलाव के 70.97 के स्तर पर हुआ था बंद। आज डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी, दिल्ली में डीजल 15 पैसे महंगा होकर 66.23 रुपए हुआ, पेट्रोल के दामों में 1 पैसे की कटौती। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, डिमांड कम होने की वजह से 1 अप्रैल 2020 के बाद भी BS4 वाहन बेचने की छूट देने को कहा। साल 2014 से 2019 के दौरान रिलायंस ने बनाई सबसे ज्यादा संपत्ति, मोतीलाल ओसवाल की सालाना वेल्थ रिपोर्ट से हुआ खुलासा, कंपनी ने कुल 5.6 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई।